ये तो जस्ट एक शुरुआत है, जस्ट एक शुरुआत है, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है, अभी अंत बाकी है, ये तो बहुत थोड़ा है, अभी तो अनंत बाकी है, अभी तो अनंत बाकी है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल खोल कर इस क्लास में। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके सामने। और आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन आपके साथ लगाएंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट दोस्तों जो आपके आपके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो फटाफट से जुड़ जाइए इस इंपॉर्टेंट क्लास को अटेंड करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। फटाफट से इस वीडियो लिंक को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और दोस्तों बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार हैं और फटाफट से जुड़ जाइए, फटाफट के अंदाज में जुड़ जाइए दोस्तों इस महत्वपूर्ण क्लास को अटेंड करने के लिए। और डेली के डेली क्लास में जुड़ा करें, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, इस बात की गारंटी है। और फटाफट से अभी बस आपके टेस्ट की शुरुआत है, अब से 3 मिनट बाद होगी, तब तक फटाफट से मैं देखता हूँ हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। अभी काफ़ी कम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से जुड़ जाइए इस इंपॉर्टेंट क्लास को अटेंड करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास दोस्तों आपके सामने है। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। नैन्सी गुप्ता गुड इवनिंग, प्रज्ञा तिवारी गुड इवनिंग, खुशी मिश्रा गुड इवनिंग, कीर्ति गौतम प्रणाम, स्वाति शुक्ला गुड इवनिंग, रितिका मिश्रा प्रणाम, अजय कुमार शुक्ला गुड इवनिंग, काजल द्विवेदी गुड इवनिंग, प्राची विश्वकर्मा गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, एस एस तिवारी प्रणाम, पलक सोनी प्रणाम, डिफेंस सीरीज प्रणाम, बॉय ठीक है गुड इवनिंग भाई। चलिए प्राची तिवारी प्रणाम, कंचन शर्मा गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, सुनील मिश्रा गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलिए पूजा कुशवाहा प्रणाम, दामिनी शुक्ला गुड इवनिंग। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। और इस बेहतरीन खुशबू द्विवेदी प्रणाम, ठीक है निखिल शुक्ला गुड इवनिंग। चलिए हमारे साथ लगभग काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास में आखिर तक जुड़े रहेंगे। मात्र 35 से 40 मिनट की क्लास होगी। और रानू केवट ठीक है, हाँ चलो प्रणाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास में आप जुड़े रहेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको जहाँ से आपने शुरुआत कर दी वहीं वहीं से आपकी आपका परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों गुड इवनिंग पवन, ठीक है शुरुआत करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत कर दिया तो फिर इसका मतलब आप ये मान कर चलिए कि आप स्टार्ट कर चुके हैं। और फिर फिनिशिंग लाइन जाने के पहले, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के पहले रुकना झुकना नहीं, तेरा काम पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। चलिए बहुत बढ़िया सावन माझी गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया सावन। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। आर्यन मिश्रा बहुत बढ़िया। चलिए तो दोस्तों अब आपका टेस्ट बहुत जल्दी शुरू होगा। तो चलिए हो चुका आगाज़ रड़का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज़ रड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए सफलता से सफलता के सफ़र को हमारे साथ तय कीजिए। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, लास्ट में बस एक मोटिवेशनल पंक्ति आपके लिए बोली जाएगी, या फिर क्लास के बीच में ही मोटिवेशनल पंक्ति आपके लिए बोली जाएगी, जो बेसिकली कल बोली गई थी, तो वो मोटिवेटेड पंक्ति आपको मोटिवेट कर सकती है। तो चलिए दोस्तों 20 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग आखिरी तक जुड़े रहेंगे और अपने इस टेस्ट को कम्प्लीट करेंगे ही और इस टेस्ट को देंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्वेश्चन लिखिए। और क्वेश्चन लिखने के लिए मैं आपको 3 मिनट का समय दूंगा। 3 मिनट के बाद अभी सिर्फ आंसर पे मत जाइएगा, अभी सिर्फ आप क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी जल्दी, और आंसर के लिए मैं अलग से आपको टाइम दूंगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए। प्रिंस सिंह गुड इवनिंग, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। आज देखने वाले बहुत कम है हमारे साथ है, ये बहुत ही गलत बात है, पर ठीक है जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर अ वर्क, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर है, एक मिनट में थोड़ा सा कुछ ठीक करने का प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी तरफ से मैं थोड़ा ठीक करने का प्रयास करता हूँ। अभी शायद उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी ठीक होगी क्वालिटी, अभी ब्लर नहीं होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है चलिए बता दीजिए अभी ठीक है क्या, ब्लर अभी, ब्लर अभी ठीक है क्या, अभी बता दीजिए ठीक है क्या, फटाफट से बता दीजिए ठीक है क्या, मैंने थोड़ा ठीक करने का प्रयास किया है, अभी बता दीजिए सब कुछ सही है क्या,
अगर नहीं सही है, एक मिनट बस रुकिएगा, थोड़ा मोबाइल की क्वालिटी को आप हाई स्पीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अभी बता दीजिए, अभी ठीक है, अभी मैं उम्मीद करता हूँ अभी सब कुछ ठीक होगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी सब कुछ ठीक है। जितने भी हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं ना दोस्तों, फटाफट से आप इसे लिख लीजिए। हाँ, साफ साफ नहीं दिख रहा है सर जी, अभी तो क्वालिटी उम्मीद करता हूँ मैं काफ़ी ठीक ठाक होगी। आदर्श बताओ फटाफट से, क्वालिटी ठीक है क्या? आदर्श बताओ फटाफट से, क्या सब कुछ ये ठीक है? आदर्श, तुम रेगुलर क्लास के अंदर नहीं रह रहे हो, ये तुम्हें बहुत नुकसान करने वाला है। सही है सर, ठीक है, सही है। चलिए सही है तो फिर शुरू कीजिए, मोबाइल की क्वालिटी को 480 पर करिए, मोबाइल की क्वालिटी को 480 पर करिए और कॉन्सेप्ट फटाफट से बनाइए। यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार बता दीजिए एक बार, ठीक है क्या? वैसे मैंने अपनी तरफ से ठीक कर दिया, ठीक है सर। चलिए हाँ ठीक है, चलिए तो फिर ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ ठीक है। तो चलिए हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने कमेंट कर दिया है, बातें ठीक ठाक है थोड़ा सा। चलिए हालांकि मैं एक बार आपको क्वेश्चन बोल भी देता हूँ, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक होगा, इधर से मेरे पास तो सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। चलिए हाँ ठीक है, चलिए तो फटाफट से पहला क्वेश्चन रेडी कीजिए। मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर वर्क, पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जल्दी, एक से दो दिन के अंदर आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और दोस्तों इस सरप्राइज के साथ आप जुड़ना ना भूलें, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बोल दीजिए पवन सिंह, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है चलिए, तो बहुत बढ़िया सरप्राइज आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन बोल देता हूँ, मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर अ वर्क पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको फास्ट के नीचे अंडरलाइन किया गया, फास्ट शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको बताना है कि फास्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। और ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन है, और इसको अगर आपने ठीक ढंग से हल किया तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच चुके हैं। इसके बाद लिखा है, मैंने आपको बहुत अच्छे शिद्दत के साथ पढ़ाया और जिन्होंने काफ़ी वीडियोज अटेंड किया है उनमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। अगला है, हेमंत रन वेरी फास्ट, फास्ट के नीचे अंडरलाइन इसमें भी है। तीसरा सवाल है दोस्तों, दे फास्ट इन नवरात्रि फॉर 9 days, ठीक है, तो यहाँ पर भी फास्ट के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो चलिए फटाफट से इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए, फटाफट से इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए जल्द से जल्द, और क्वेश्चन लिखने का प्रयास करिए। चलिए फटाफट से इन क्वेश्चन को तैयार करिए। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से जल्दी क्वेश्चन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसके बाद है ही इज़ अ लिटिल बरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। चलिए लिखना प्रारंभ कीजिए फटाफट से, लिखना प्रारंभ कीजिए फटाफट से क्वेश्चन, फिर मैं आपको सिर्फ 3 मिनट का समय दूंगा। 3 मिनट के अंदर आपको 9 क्वेश्चन है, 9 नंबर का ये टेस्ट है, और इस टेस्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का प्रयास करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके सामने ये साबित हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट ये आपके सामने साबित हो सकता है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ परफेक्ट होगा, और फटाफट से आप इन सवालों को लिख लीजिए जल्दी से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट से इन सवालों को आप तैयार कर लीजिए और जल्दी से लिखना प्रारंभ कर लीजिए, फटाफट से इन्हें लिखना प्रारंभ कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आराम से बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आराम से बोल देता हूँ, मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर अ वर्क, हेमंत रन वेरी फास्ट, ठीक है, हेमंत रन वेरी फास्ट, और दोनों शब्दों के नीचे फास्ट के नीचे अंडरलाइन है, तो फास्ट के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे और बताएंगे फास्ट शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल कि फास्ट यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तीसरे सेंटेंस में लिखा, दे फास्ट इन नवरात्रि फॉर 9 days, यहाँ पर भी दोस्तों आपको फास्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताना है, फास्ट क्या है। तो चलिए सवाल को हल कीजिए जल्दी अपने सवाल को हल कीजिए, जितने भी नए लोग जुड़े हैं फटाफट से क्वेश्चन को तैयार कीजिए। अभी बता दीजिए, अभी सब कुछ ठीक है ना, कोई किसी प्रकार का ब्लर नहीं, अभी बता दीजिए ठीक है ना। मैंने वैसे कुछ प्रयास किया अपनी तरफ से सर, साफ साफ नहीं दिख रहा, वैसे मैंने तो प्रयास किया अपनी तरफ से ठीक करने का। चलिए लिखेंगे अगला सवाल, रोहित हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, रोहित हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे साथ 23 लोग जुड़े हैं, और भाई जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और अपने टेस्ट को शुरू कीजिए। दोस्तों आपका समय काफ़ी जल्दी शुरू होने वाला है। क्लियर है सर आप पढ़ाई? हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर अ वर्क, हेमंत रन वेरी फास्ट, और दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब।
प्रयास करिए फटाफट से, मात्र 2 मिनट का समय है आपके पास। 9 क्वेश्चन है और मैंने कहा था कि जैसे आंसर मैंने आपसे कल पूछा था सेम उसी प्रकार का आंसर आपको देना है, उसी प्रकार का आंसर मुझे प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और फटाफट से इन क्वेश्चन को हल कीजिए, फटाफट से इन क्वेश्चन को हल कीजिए। क्लियर है सर? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया अंशुल, ठीक है सर। हाँ चलो फटाफट से इन क्वेश्चन को अटेंड करो और बताओ यहाँ पर क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल इन सेंटेंस में लानी पड़ेगी मुझे। ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताओ, 9 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, एक बार आराम से बोलता हूँ, जल्द स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन को लिख लेना। वैसे दिख भी रहा होगा सब कुछ सही है, मेरे पास तो यहाँ तो सब कुछ सही है, वैसे क्वालिटी वाल्टी यहाँ से सब कुछ बेटर है, ठीक है। पर टेक्निकल बातें हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होती रहती है, तो डोंट वरी, इसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन मैनेज दिस थिंग्स, सो टेंशन लेने की जरूरत। चलिए पहला सवाल, मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर अ वॉक। आराम से सुनिएगा, फास्ट के नीचे हैंडल है, फास्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको बताना है। अगला, हेमंत रैन वेरी फास्ट, फास्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको इसमें भी बताना है। तीसरा सेंटेंस, दे फास्ट इन नवरात्रि फॉर 9 डेज, ठीक है। फास्ट के नीचे ग्रामेटिकल, फास्ट के नीचे अंडरलाइन है, फास्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको बताना है। चलिए अगला सवाल, रोहित हैज लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। चौथा सवाल, ही इज अ लिटिल वरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। पांचवा सेंटेंस, आई थिंक हियर इज अ बेटर प्लान, ठीक है। छठवां सेंटेंस, यू नो इट बेटर, ये 7th सेंटेंस है आपके सामने। बेटर के नीचे ग्रामेटिकल प्रोफाइल, बेटर के नीचे अंडरलाइन है और बेटर बताना है आपको कौन सा पार्ट। साहब दोस्तों, ये ऐसे लेवल के क्वेश्चन हैं जिन्हें अगर आपने सटीक तरीके से नहीं पढ़ा है, सटीक तरीके से स्टडी नहीं किया है, तो आप मानकर चलिए क्वेश्चन आपसे आने वाले नहीं है, ठीक है। अगर आपने गहराई से पढ़ा है तो आप इसे आराम से हल कर देंगे। तो चलिए फटाफट से इनको हल कीजिए, सिर्फ 2 मिनट का समय आपको आपके पास है, और जल्दी जल्दी अपना स्कोर बताइएगा, आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। सावन माझी, चलो क्वेश्चन लिखो, जल्दी से इसको हल करो, ठीक है। चलिए सावन माझी, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन लिखो और जल्दी इनको हल करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आप लास्ट में अपना स्कोर आपको बताना है। यहाँ से सब कुछ परफेक्ट है यार, वैसे सब कुछ अब सही हो गया होगा, अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी 26 लोग जुड़े सभी लोग भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर लास्ट में आपको बताना है, आपने कितना स्कोर किया। चलिए बहुत बढ़िया, हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी कंपटीशन का स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो फटाफट से इन क्वेश्चन को हल करो, फिर अपना स्कोर बताना आपने कितना स्कोर किया। मात्र 2 मिनट का समय है आपके पास, हल करते रहिए, 2 मिनट बाद आपका टाइम ओवर हो जाएगा, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, इसका फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। पढ़ा कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपको, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा, तो एक्सप्लेन विल बी फैंटास्टिक इन माई साइट। चलिए फटाफट से क्वेश्चन अटेंड कीजिए। हियर आर द 9 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, 9 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, विच वर्ड अंडरलाइन एंड द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ अंडरलाइन दिस वर्ड, ठीक है। जो ये वर्ड आपके सामने लिखे हैं इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपको बताना है, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, कुछ वर्ड कट रहे हैं, कैमरा थोड़ा सी, एक मिनट। अभी सब कुछ ठीक होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, दामिनी शुक्ला का पहला जवाब आया है, और अभी तो मैं इससे देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन आपकी तरफ से सही हुए हैं। चलिए भाई जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब दीजिए, अब आपके पास टाइम काफ़ी कम है, सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम। बहुत बढ़िया आर्यन, चलो अपना स्कोर बताइएगा, आपने कितना स्कोर किया। तब तक आप बढ़िया जल्दी से जल्दी सवाल को हल कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। एक बार जिन्होंने आंसर कर लिया है, चेक भी कर लीजिएगा ठीक ढंग से कि आपने सही बताया है, चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने ठीक ठीक बताया है। जिन्होंने आंसर कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया हो तो कमेंट करेंगे आंसर, बहुत अच्छा जी। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, मस्त, सिर्फ 1 मिनट का समय में बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं और काबिले तारीफ प्रयास कर रहे हैं, और आपने सुना ही होगा कि उन्हें या तो जीत मिलती है या फिर एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, ठीक है।
तो बहुत बढ़िया आर्यन, एक बार अपने आंसर को चेक जरूर कर लेना, ठीक है? बहुत अच्छा जी, चलिए सवाल हल करते चलिए। बस 40 सेकंड का टाइम आपके पास और है, और 40 सेकंड के अंदर आपको इन क्वेश्चन को हल करके दिखा देना है, अदरवाइज फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना प्रारंभ करूँगा। चलिए 28 लोग, जितने नए लोग जुड़ रहे हैं दोस्त, फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को लिखते रहिए, ठीक है? इन क्वेश्चन को लिखते रहिए। चलो अभी आप देखिएगा अपना स्कोर किया, आपने कितना स्कोर किया, कितना स्कोर किया आपने, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा जी, आपका प्रयास जो है वो एक नंबर का प्रयास है। चलिए तो दोस्तों अब मैं आपके सामने, बस अब आप यहीं पर रुक जाइएगा, जहाँ तक आपने जितने भी क्वेश्चन हल कर लिया बस आप रुक जाइएगा, मैंने काफ़ी टाइम आपको दे दिया है, मैंने काफ़ी समय आपको दे दिया है, अब आप रोक दीजिएगा अपने पेन को और आंसर देखिएगा कौन से सेंटेंस में क्या आंसर सटीक होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने लिखा गया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, एंड क्वेश्चन नंबर एक को आप गौर से देखेंगे, गौर से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बस अपना आप स्कोर बताइएगा, बहुत बढ़िया। जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं ना, ये फटाफट से आप लोग सुनते चलिए, अभी तो आपके पास लिखने का टाइम है नहीं, बस पहले एक एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है? जब मैं बोलूँगा तो क्वेश्चन आराम से सुनिएगा, जितने भी नए लोग जुड़े हैं। मनीषा केप्ट द फास्ट फॉर अ वॉक, मैंने आपसे इसमें पूछा था ये फास्ट शब्द क्या है, मैंने आपसे ये पूछा था फास्ट शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल, ये फास्ट शब्द क्या है। चलिए अगर आपका आंसर सही होगा तो अपने को एक मार्क्स दीजिएगा, और इसके इसके प्रश्न के आगे एक नंबर ऐसे लिख लीजिएगा अगर राइट होगा तो, ठीक है? रॉन्ग होगा तो कट कर दीजिएगा, 9 नंबर का टेस्ट है। चलिए बहुत बढ़िया जी, देखिए फास्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल मुझे बताना है। लिखा है मनीषा केप्ट द फास्ट, सीधे सेंटेंस में हिंट दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों द, अगर मैं इस द की बात करूँ तो ये एक आर्टिकल है, ये क्या है, ये एक आर्टिकल है, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, हमने आपको एक नहीं कई बार बताया है दोस्तों, कई बार बताया है कि जब भी इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में कभी भी आर्टिकल आएगा तो नाउन 100% आएगा। ये बात दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताई है, और बहुत बार इस चीज़ को हमने चर्चा किया है कि पूरी इंग्लिश में यदि कभी भी आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब द आर्टिकल है और द के लिए फास्ट जो है नाउन है। तो पहले सेंटेंस में दोस्तों फास्ट नाउन का काम कर रहा है, जिसका मतलब हो गया व्रत, जिसका मतलब हो गया व्रत। उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आप में से काफ़ी बच्चों ने ठीक ठीक लगाया होगा, ठीक ठीक राइट किया होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन में फटाफट से अगर आपने ठीक किया है तो एक मार्क्स दीजिएगा, कहानी अभी बहुत आगे उलझेगी। और हमने आपको कहा था कि पूरी इंग्लिश में यदि कभी भी, कई बच्चों का गलत भी होगा ये, हमने आपको कहा था पूरी इंग्लिश में कभी भी आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल जो आता है वो नाउन के लिए ही आता है, यानी आर्टिकल इज ऑल अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ नाउन, आर्टिकल पूरी तरीके से नाउन का कॉन्सेप्ट है, और अगर पूरी इंग्लिश में आर्टिकल आया तो नाउन आएगा ही आएगा, और ये यहाँ पर द आर्टिकल है और इस द के लिए फास्ट आ रहा है जो कि वास्तव में एक नाउन का काम कर रहा है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट लिखा हेमंत रैन वेरी फास्ट, हेमंत रैन वेरी फास्ट, अगेन काफी इजी क्वेश्चन है आपके सामने, आप बताइए हेमंत फास्ट कि हेमंत के दौड़ने का तरीका फास्ट है। आपने कहा सर हेमंत फास्ट नहीं, हेमंत के दौड़ने का तरीका यानी रन फास्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है फास्ट यहाँ पर क्या है। आपने कहा सर फास्ट यहाँ पर वर्ब है, और हमने आपको कई बार बेसिक की क्लास में बताया है, कई बार समझाया है दोस्तों बेसिक की क्लास में, कि जब कभी भी दोस्तों जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो कायदे से एडवर्ब कहलाते हैं, तो दूसरे सेंटेंस में जो फास्ट हो गया वो एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों हो गया, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। ये बात आप नॉलेज में रखिएगा कि जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस फास्ट की बात करूँ तो ये फास्ट यहाँ पर एडवर्ब कहला गया, ठीक है? फास्ट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब, क्यों, क्योंकि रन एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब एक सेंटेंस में दोस्तों वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, और साथ ही साथ एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। हालांकि एडवर्ब इंग्लिश में एकमात्र ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर देता है सेकेंडरी रूप से, लेकिन प्राइमरी रूप से एडवर्ब
ही एकमात्र ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालीफाई कर देता है। लेकिन ये बात आप नॉलेज में आपको रखना है कि एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी क्वालीफाई कर सकता है, कंजंक्शन को भी कर सकता है। यानी एडवर्ब एकमात्र इंग्लिश में ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालीफाई करने का दम रखता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एडवर्ब जो है ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में क्वालीफाई कर सकता है। तो दूसरे सेंटेंस में दोस्तों फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एडवर्ब है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपको इसी सेंटेंस में वेरी ज्ञान आपसे लूँ, हालांकि मैंने फर्स्ट के नीचे बस अंडरलाइन किया था, तो वेरी का ज्ञान के सामने लूँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वो फास्ट तो दौड़ता है लेकिन बहुत फास्ट दौड़ता है, तो फास्ट को भी क्वालीफाई कर रहा है ये शब्द वेरी। और वेरी की अगर मैं बात करूँ तो वेरी कायदे से एडवर्ब, आप ये भी एडवर्ब ही है क्योंकि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालीफाई कर सकता है, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब ही है। लेकिन वेरी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री दोस्तों ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि किसी भी एडवर्ब की मात्रा या क्षेत्र में विस्तार करने का काम करते हैं, यानी एडवर्ब की मात्रा या क्षेत्र में उसकी रेंज को बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि वह फास्ट तो है, वह फास्ट तो दौड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ता है, मतलब फास्ट की मात्रा में, फास्ट की मात्रा में ये वृद्धि करने का काम कर रहा वेरी। तो वेरी यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि क्या कर रहा है, फास्ट की डिग्री को बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया, फास्ट की डिग्री को बढ़ा रहा है, तो यहां पर वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। तीसरे सेंटेंस पर आ जाइए, दूसरे सेंटेंस में दोस्तों फास्ट जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा, तीसरे सेंटेंस पर आ जाइए, दे फास्ट इन नवरात्रि फॉर 9 days। बहुत ही आसान सवाल, यहां पर दे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और दोस्तों हमने आपको कई बार बताया सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है, तो यहां पर फास्ट जो हो गया तीसरे सेंटेंस में दोस्तों वर्ब हो गया। तो तीसरे सेंटेंस के बारे में हमने ठीक ठीक बताया कि तीसरे सेंटेंस में जो फास्ट है वो वर्ब है, तो तीसरे सेंटेंस में आप वर्ब लगा लीजिए कि तीसरे सेंटेंस में जो फास्ट है ये वर्ब का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में फास्ट क्या है, फास्ट वर्ब है। चलिए चौथे सेंटेंस पर फटाफट से जंप कीजिए, टूट पड़िए चौथे सेंटेंस पर। लिखा रोहित हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, और इसमें से काफ़ी बच्चों का अपने साथ, जो बच्चे लगातार अपने साथ लिटिल का प्रयोग पढ़ चुके हैं, आ लिटिल का प्रयोग पढ़ चुके हैं, फ्यू का प्रयोग पढ़ चुके हैं, वो बच्चे इस सवाल को जानते होंगे कि इसमें सटीक जवाब क्या होगा। तो मैंने, क्योंकि लिटिल के बारे में तो हमने आपको कई बार बताया है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपसे इस नॉलेज की, तो ये नॉलेज क्या है दोस्तों, आपने कहा सर नॉलेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है आपने कहा सर, जो ये नॉलेज है ना, ये नॉलेज वास्तव में अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज को हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। और बताइए आप, जो शब्द नाउन की क्वालिटी बताते हैं नाउन के पहले आकर, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चौथे सेंटेंस में लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है। चौथे सेंटेंस में लिटिल क्या है, चौथे सेंटेंस में लिटिल एडजेक्टिव है, क्योंकि जो शब्द नॉलेज एक नाउन है, और जो शब्द नाउन को क्वालीफाई करते हैं, नाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन के एट्रीब्यूट को बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चौथे सेंटेंस का सटीक जवाब हो जाएगा दोस्तों, लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और नॉलेज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। नॉलेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पलक सोनी का जवाब बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा ही इज अ लिटिल बरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस, पहला ही नोट फटाफट से छापिएगा दोस्तों, जिन वर्डों के लास्ट में ए एन सी ई जुड़ता है कायदे से इंग्लिश में वह नाउन कहलाता है, और उसके नाम की अगर मैं बात करूँ तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो हालांकि नाउन का चैप्टर दोस्तों चैनल पर अपलोड है पहले से ही, लगभग 14 पार्ट में मैंने नाउन को ख़त्म किया था, और सबसे गहराई पर ख़त्म किया था नाउन को, 14 नाउन के लगभग मैंने बनाए थे। अब बड़े गहराई पर नाउन पढ़ाया था आपको, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से मैंने आपको नाउन पढ़ाया था। तो अगर दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो एक एक करके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट फंडे क्लियर हो जाएंगे। मैंने कहा कि जिन शब्दों के लास्ट में ए एन सी जुड़ता है वह नाउन कहलाता है, और उसका नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, चाहे ए एन सी ई जुड़े, चाहे ई एन सी ई जुड़े,
दोनों ही दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, राइट। आपकी तरफ से राइट आंसर हुआ चौथे में एडजेक्टिव, ठीक है। लिटिल की ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमने आपसे पूछी थी और आपने दोस्तों बताया यहाँ पर लिटिल जो है कायदे से एडजेक्टिव है। चलिए सेंटेंस नंबर 5 पर फटाफट से टूट पड़िए। लिखा ही इज अ लिटिल बरीड, इसमें भी बताना है लिटिल क्या है। लिटिल बरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बताया भी था शुरू की क्लास में कि हिज, हर, माई, आवर, योर के बाद हमेशा नाउन आता है, तो परफॉर्मेंस नाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा जी, चलिए सुपर तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ाइए, अगले सवाल की तरफ बढ़िए और फटाफट से अगले सवाल का सटीक आंसर बता दीजिए। लिखा है पचमे का, ही इज द लिटिल बरीड अबाउट हिज परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ ही इज बरीड, तो आप बताइए, आप खुद बताइए इस बरीड में ये वरीड क्या है दोस्तों। ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो है, लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम सर आपने हमको कई बार बताया है, उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो वहाँ पर वह किसका, वो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो दोस्तों वरीड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। बहुत सटीक जवाब आपने दिया है। तो दोस्तों अब बताइए ये वरीड क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो बताइए जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। सर जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, ये देखिए लिखा है, जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं सर उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पर लिटिल क्या हो गया, यहां पर लिटिल एडवर्ब हो गया। क्यों एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों, और वरीड यहां पर एडजेक्टिव है, और जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो आपने ठीक ठीक आंसर इसका लगाया होगा। तो दोस्तों चौथा, और ये कौन सा सवाल है, पचमा। तो पचमे का सटीक जवाब ऊपर लिखिएगा, अगर सही होगा तभी नंबर दीजिएगा, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा से अगली बार सही हो जाएगा। अगर गलत हुआ तो ईमानदारी के साथ नंबर नहीं रखिएगा, अगर सही हुआ तो नंबर रख दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत गहराई के हैं और इतने एडवांस और इतने सटीक लेवल पर शायद आपको कोई बता पाएगा। अगला सवाल लिखा, आई थिंक हियर इज अ बेटर प्लान, बताइए वेटर के बारे में जानकारी दीजिए मुझे, यहां पर वेटर क्या है। लिखा है आई थिंक हियर इज अ बेटर प्लान, बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका जवाब आप देंगे दोस्तों यहां पर वेटर क्या है, ठीक है। चलिए अब बेटर, चलिए बात करते हैं दोस्तों। लिखा आई थिंक हियर इज अ बेटर प्लान, प्लान यहां पर क्या है, नाउन, प्लान यहाँ पर नाउन है, और जो शब्द नाउन की क्वालिटी बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो वेटर जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, बेटर यहाँ पर एडजेक्टिव, और इसका नाम क्या है, अरे बेटर भाई गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, और डिग्री किसका होता है, अरे डिग्री तो एडजेक्टिव की होती है। तो ये सवाल तो सीधा भी सवाल था कि डिग्री तो हमेशा एडजेक्टिव की होती है, और प्लान यहाँ पर नाउन है, और जो शब्द नाउन की क्वालिटी बताएं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, और बेटर जो है ये वास्तव में, ये बेटर जो है ये वास्तव में गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर यहाँ पर छठे सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हमें आपकी तरफ से कोई जवाब, बहुत लोगों ने सही जवाब भी दिया था, लेकिन हमारी तरफ से राइट आंसर हुआ यहाँ पर दोस्तों एडजेक्टिव, ठीक है। सातवें सवाल की तरफ बढ़ाते हैं, सातवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सातवें सवाल के बारे में थोड़ा मुझे ज़रा जानकारी दे दीजिए, इस सवाल में, सातवें सवाल में बेटर क्या है, बेटर के नीचे हमने अंडरलाइन किया है। चलिए अपना आंसर ठीक ठीक लिखिएगा दोस्तों, अपना आंसर आप सही सही बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए ईमानदारी के साथ, ठीक है। चीटिंग जीवन में बिल्कुल नहीं करना है, चीट करके प्राप्त की गई कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, तो चीटिंग नहीं करना है, हमें ठीक ठीक जवाब बताना है, क्योंकि चीट की हुई चीज़ लंबे समय तक नहीं टिक पाती है, वो तो ऑथेंटिक नहीं होती, क्षणिक नहीं होती, वो क्षणिक होती है। यू नो, बताइए नो यहाँ पर क्या है, आपने कहा सर यहाँ पर नो वर्ब है, और बताइए जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करते वो क्या कहलाते हैं, वो वास्तव में एडवर्ब कहलाते हैं। तो वेटर इस सेंटेंस में एडवर्ब का काम कर रहा है, वेटर। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर
पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए 100% पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को मिस करते हैं क्योंकि उन्हें इसका महत्व तो नहीं पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना महत्व तो है आपकी परीक्षा के अंदर, आपके पेपर के अंदर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ 5 से 6 नंबर का हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है और इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिफ बनाना बहुत ज़रूरी है, इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिफ बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हमने इतने दिन से जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बड़े गहराई पर हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। अगला, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, आवाज के जादूगर। बेसिकली वॉइस में यहाँ पर बताने का काम करेंगे लाउड क्या है। बड़ा आसान सवाल ये भी है, बड़ा बेसिक सवाल ये भी, और हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ तो ये बहुत खास बात आपके लिए साबित हो सकती है। तो 7वें सेंटेंस में वेटर क्या था? एडवर्ब था। हर एक सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करते हुए बढ़ रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, तो ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस में वॉइस की जानकारी अगर मैं आपसे मांगना चाहूँ तो यहाँ पर वॉइस एक नाउन है और लाउड जो है, लाउड के बारे में आपको बताना था, तो वॉइस एक नाउन है और लाउड एक एडजेक्टिव है। तो जो 8वां सेंटेंस हो गया इसमें जो लाउड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि जो शब्द नाउन को क्वालिफाई करें उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। लास्ट सवाल और आपके नंबर पूछने की बारी, लास्ट सवाल की जानकारी दीजिए दोस्तों। डू नॉट स्पीक सो लाउड, इट्स डिस्टर्बिंग। तो बताएंगे यहाँ पर लाउड किसका काम कर रहा है, बहुत आसान सवाल है ये भी। चलिए इसमें लाउड की जानकारी एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि इस सवाल में लाउड क्या है, कमेंट करके मुझे बता दीजिए इस सवाल में लाउड क्या है। चलिए अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो इस सवाल की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल दामिनी का जवाब ठीक ठाक है। मैंने यहां पर कहा स्पीक क्या है, स्पीक वर्ब है और जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करे वो कहलाते एडवर्ब। तो यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो लाउड जो है यहाँ पर वो एडवर्ब है क्योंकि स्पीक एक वर्ब है और जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो फटाफट से स्कोर अपना बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, जल्दी से कमेंट करके 2 मिनट के अंदर फटाफट से कमेंट करेंगे और अपना ठीक ठीक और सही सही स्कोर बताएंगे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सही सही अपना स्कोर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। जल्द से जल्द अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आपने 9 नंबर में कितना स्कोर किया। अरे भाई इतने मेहनती तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, वीडियो को लाइक वाइक करते रहो भाई, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो, इतना तो कम से कम कर ही सकते हो। दामिनी शुक्ला 8, बहुत बढ़िया। चलिए और फटाफट से और लोग कमेंट कीजिए, और लोग फटाफट से कमेंट कीजिए। प्रतीक पांडे 8, फटाफट से कमेंट कीजिए। हमने पहले ही कहा जवाब ठीक होगा तो सटीक जवाब देना। 8, और लोग कमेंट कीजिए। SS तिवारी 7, पलक सोनी 8, ठीक है। और लोग पवन सिंह 7, कोई बात नहीं। 5 रॉन्ग हो गया, 5th रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5th रॉन्ग हो गया, 5th ऐसा सवाल ही था रॉन्ग होने वाला। चलिए पूजा कुशवाहा 8, नैन्सी गुप्ता 6, कोई दिक्कत नहीं। कीर्ति गौतम 7, AS गेमिंग 8, चलिए और लोग कमेंट कीजिए। भाई ये AS गेमिंग ओमिंग ना लिखा करो, अपना नाम लिख दिया करो ID में, ठीक है। ये फालतू के नाम लिखने से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये फालतू के नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप अपना नाम लिख दिया करें अपने ID में, ठीक है, अपने नाम से जाने जाओ, ये फालतू नाम क्या लिखते रहते हो दोस्त। चलिए अपर्णा द्विवेदी 7, काजल द्विवेदी 8, बहुत बढ़िया। अजय कुमार शुक्ला 7, और लोग कमेंट कीजिए भाई, 26 लोग जुड़े हैं, कमेंट मेरे पास 12-13 ही आए हैं। और लोग काहे भाई छुपा रुस्तम बन रहे हो, हम जानते हैं तुम हमें से पढ़ रहे हो, टेंशन ना लो। चलो अंशुल मिश्रा 7, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। प्रज्ञा तिवारी 7, चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने स्कोर जो भी किया होगा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बहुत ज़बरदस्त लेवल पर आपको सिखाया है, बहुत ही गहराई से आपको पढ़ाया है, तो इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए।
इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप जीवन में कुछ करें या ना करें पर पढ़ाने वाले का सम्मान जरूर, ठीक है। बाकी आप इस चीज़ की कद्र कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों के बारे में मुझे सुनने को शिकायतें लगातार मिल रही हैं, ठीक है। तो वो तो फिर उन्हें तो पूछ ही लिया जाएगा, बता ही दिया जाएगा उन्हें कि बेटा ये बुराई उराई करना तुम छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो जीवन में अगर निकलना है तो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, जिस इंसान से आप पढ़ रहे हैं उसी की आप बुराई कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीख भी हम ही से रहे हैं और हम ही से, हालांकि सामने तो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, बट फिर भी पीठ पीछे भी ना किया करें, सामने तो मुश्किल है, कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। चलिए सर, मैं आर्टिकल ए की वजह से सेकंड के नाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम फटाफट लिख लेते हैं अपना एप्लीकेशन और इसके बाद क्लास को हम करते हैं ख़त्म। चलिए तो लिखेंगे राइट एन जॉब अप्लीकेशन। तो जॉब अप्लीकेशन, अब दोस्तों कल से कुछ नई चीज़ें आपके सामने चालू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी तरफ से एप्लीकेशन का लेवल कंप्लीट हुआ, और हमने ठीक ठीक कर लिया है, ठीक ठीक बता दिया है एप्लीकेशन के बारे में। चलिए तो एप्लीकेशन लिखना प्रारंभ करते हैं टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, आज मैं थोड़ा टिक टॉक करके लिखूँगा, अक्षरों को उल्टा पलटा के लिखूँगा, आप देख भी रहे होंगे, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको इधर पर नेम ऑफ, अभी मैं कंपनी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपको कंपनी का नाम लिखना है, तो आज मैं थोड़ा टिक टॉक लिखूँगा, तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे करके मैं थोड़ा बनाता रहूँगा आज, नेम ऑफ कंपनी या फिर स्कूल लिखेंगे आप, ठीक है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आप ज़रूर लिख देंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप थोड़ा अपनी तरफ से समझते रहना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे, हालांकि मैं बोलता भी रहूँगा, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाद में समझा, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन लिखना प्रारंभ कीजिए। चलिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए, चलिए गम के दुख के सारे दिन जाने वाले हैं, अब मैंने भी शुरू कर दी है पढ़ाई, अब मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया आंसर, चलो लिखते चलो, एप्लीकेशन फॉर द, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, पोस्ट ऑफ अ टीचर। इसके बाद आपको लिखना है सर, ठीक है, कॉमा लगाना ही है, रिस्पेक्टेड सर का यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे इन रिस्पेक्ट टू यू, एक बार आप बता दीजिए, स्क्रीन आपको ठीक ठाक नज़र आ रही है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इन रिस्पेक्ट टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन, मान लीजिए मैं डेट लिख देता हूँ सेकंड ऑफ मार्च, ठीक है, मैं अपने हिसाब से डेट लिख चुका हूँ, डेट कुछ भी आप लिख सकते हैं, मार्च, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर
फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, ठीक है, पोस्ट ऑफ अ टीचर, ठीक है, चलिए टीचर। अब यहाँ से लिखेंगे आप आई बेग टू से, आई बेग टू से, ठीक है, दैट आई हैव ऑल, आई हैव ऑल, तो यहाँ पर आई बेग टू से दैट आई हैव ऑल, ठीक है, ऑल द एक्सपीरियंस, ऑल द एक्सपीरियंस एंड, ऑल द एक्सपीरियंस एंड, कोई दिक्कत है नहीं, एक्सपीरियंस एंड, फिर आप लिखेंगे क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन दैट, ठीक है, चलिए, फिर यू हैव asked for my, you have asked for my, asked for my necessary, necessary यानी आवश्यक, necessary, ठीक है, आवश्यक, ठीक है, stubborn वाय सिंह साहब, अच्छा stubborn वाय, stubborn माने, स्टबर्न माने होता है जिद्दी, किसी चीज़ का जिद करना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई स्टबर्न बॉय, पार्टिकुलर्स बहुत बढ़िया नाम आपने रखा है, काबिले तारीफ, स्टबर्न यानी होता है किसी चीज़ की जिद पकड़ लेना, ठीक है, चलिए, आर गिवन विलो फॉर, ठीक है, विलो फॉर Your kind, ठीक है, Your kind consideration, मतलब आपको पता ही है, consideration जो है ना वो consider का noun form है, और consideration का मतलब होता है विचार विमर्श करना, ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे I would, ठीक है, I would be very thankful full stop if you kindly consider my application, kindly consider my application and appoint me to the post, sir, coaching की फीस कितनी है, कोचिंग की फीस इतनी है जितना आप अपने दोस्तों के बीच नाश्ता करने में खर्च कर देते हैं, इतनी है कोचिंग की फीस, ठीक है, जितना आप अपने दोस्तों के बीच नाश्ते करने में खर्च कर देते हैं उतनी है कोचिंग की फीस, ठीक है 300 रुपये, एक मिनट पलक सोनी, थोड़ा इंतज़ार करें, मैं ठीक कर देता हूँ स्क्रीन को, ठीक है, चलिए थोड़ा मैं इसको ठीक करता हूँ, चलिए अभी दिख रहा है क्या, बस इतना ही, अभी दिख रहा ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी दिख रहा ना, चलिए, हाँ दोस्त, फीस की टेंशन मत लो, फीस बहुत कम है, ठीक है, 300 रुपये फीस है, ठीक है, इतना आप अपने दोस्तों के बीच में, अब इसमें भी अगर आप इस वजह से रुक रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत है दोस्त, 300 की वजह से आप रुक रहे हैं तो बहुत दिक्कत है, फिर इससे कम कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे सस्ते तरीके से, फिर लिखेंगे योर ओबीडियंटली और नीचे नाम लिख देंगे, और अगर आपको डिटेल लिखना हो तो डिटेल लिख देंगे, हालांकि इतना इनफ है,
मेरी तरफ से। चलिए लिख गया आपका ये लास्ट जॉब एप्लीकेशन, लास्ट जॉब एप्लीकेशन लिख चुका है आपके सामने, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जॉब लास्ट तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। पॉकेट फ्रेंडली कोर्स फीस है दोस्त, पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है। पॉकेट फ्रेंडली का मतलब होता है जितना कि आप अपने दोस्तों के बीच पॉकेट में पॉकेट मनी जितनी आपको होती उतनी कोर्स फीस है अपनी, ठीक है। बहुत ही कम, सबसे कम और सबसे अच्छा क्वालिटी में एजुकेशन, फीस सबसे कम, एजुकेशन सबसे अच्छा। सर आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं? स्टवन वाई, देखो यार स्टवन वाई, मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता, ठीक है स्टवन बॉय, सिर्फ कोचिंग करवाते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए, एक बार मैं बोल भी देता हूँ आपके सामने यहाँ पर, आप सर अमित नहीं पढ़ता है, कौन अमित भाई? हमारी हमारे पास कोई अमित तो पढ़ता है, एक दो अमित मैं नहीं जानता कौन अमित पढ़ता है, बट पढ़ता है कोई अमित, ठीक है। आप छोड़िए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज ये सब बातें आप छोड़िए, अमित पढ़ता है कि सुमित पढ़ता है। चलिए, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, नेम ऑफ कंपनी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब्जेक्ट, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, सर इन रिस्पेक्ट टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन 2nd of March इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, I beg to say that I have all the experience and qualification that you have asked for, my necessary particulars are given below for your kind consideration. I would be very thankful if you kindly consider my application and appoint me to the post. Amit Barma, पता नहीं यार Amit Barma नहीं जानता, Amit Barma कौन है मैं नहीं जानता। चलो खैर छोड़ो यार, ये सब चीज़ें छोड़ो, आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, नहीं तो आप ये सब चीज़ें बंद कीजिए, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, ठीक है। चलिए, वर्मा तुम्हारा काम सही, तुम्हारा कर्मा सही नहीं है, ठीक है, वर्मा तुम्हारा कर्मा सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खैर छोड़िए ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं। चलिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। स्टबन बॉय सिंह साहब, आप कहाँ से हैं? स्टबन बॉय सिंह साहब कहाँ से हैं आप, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, बता भी दिया करिए कहाँ से बिलोंग करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपने इन चीज़ों को ठीक ठीक ढंग से लिखा होगा और ठीक ठीक ढंग से पढ़ा भी होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो बेहतरीन तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कीजिए और डेली के डेली क्लास में जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि इस समय ज़्यादा देर तक तो क्लास में लेता नहीं, जल्दी से आपकी क्लास को ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए आने वाला है, इससे हो सकता है कि दिल खुश हो जाए, ठीक है, यानी दिल गार्डन गार्डन हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार मोटिवेशनल पंक्तियाँ हो जाए दो लाइन की, कल वाली मोटिवेशनल पंक्तियाँ हो जाए क्या दो लाइन की, फटाफट से बताएंगे क्या सर? कुछ नहीं, एस गेमिंग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए, क्या मोटिवेशनल पंक्तियाँ हो जाए क्या? अच्छा जी बिल्कुल, हाँ मोटिवेशनल पंक्तियाँ, कुछ फ़र्क भी पड़ रहा कि जी बिल्कुल है बस। चलिए जी सर, हाँ हो जाए, कल है वाली हो जाए जो कल हुई थी, नहीं तो बेसिकली मैंने देखा नहीं, कल ही वाली हो जाए क्या? बिल्कुल, चलिए तो फिर हो जाए सिर्फ एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर फिर कल वाली पंक्तियाँ हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ है मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए हो चुकी है पंक्तियाँ, कोई दिक्कत नहीं है जी सर, कल वाली, हाँ ठीक है, चलो वाह वाह ठीक, बहुत बढ़िया,
हार जाना जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और दोस्तों कल की क्लास बहुत ज़बरदस्त होगी, और कल की क्लास में मैं कुछ करने वाला हूँ नया। कल की क्लास में मैं कुछ करने वाला हूँ नया, और कल आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सकते हैं, पढ़ने को मिल सकते हैं, नया टॉपिक भी यहाँ पर शुरू हो सकता है कल। मस्त लाइन सर, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास में नया टॉपिक भी सीखने को मिल सकता है। कॉन्सेप्ट की क्लास अभी मैं शुरू इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न है कि कॉन्सेप्ट का क्लास शुरू करने का कोई मतलब बनता नहीं, काफ़ी कम बच्चे जुड़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट जब अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना महंगा कंटेंट जब फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, तो उसकी वैल्यू करना है। तो लेकिन वैल्यू बच्चे करते नहीं, समझते नहीं एजुकेशन की वैल्यू, इसलिए अभी कॉन्सेप्ट की क्लास मैं नहीं शुरू कर पा रहा हूँ। चलिए कॉन्सेप्ट की क्लास शायद, कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास होगी। कॉन्सेप्ट तो थोड़ा मुश्किल है कि कॉन्सेप्ट की क्लास हो पाए, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की क्लास। कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट, लव यू ऑल, जय हिंद।